नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे वाराणसी से औरंगाबाद तक बनने वाले 6 लेन सड़क परियोजना का क्या लेटेस्ट अपडेट है। शुरुआत वाराणसी से लेकर मोहनसराय के बीच आपको ये अपडेट दिखा रहा हूं। जैसा कि आप इस मार्ग को देखेंगे, 6 लेन हाईवे है जो कि वाराणसी से लेकर औरंगाबाद तक बन रहा है। इसमें से काफ़ी काम हो चुका है और यहाँ आप देख रहे हैं वाराणसी से लेकर मोहनसराय के बीच क्या लेटेस्ट अपडेट है। ये आज तारीख की बात करूँ तो आज है 17 फरवरी और दिन है शनिवार का। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सभी बोर्ड यहाँ पर साइन बोर्ड नए लगाए गए हैं और इस मार्ग में आप देखेंगे तो यहाँ आपको डिवाइडर और उसके ऊपर ये लाइटिंग की व्यवस्था, ये पूरा आपको इस मार्ग में दिखाई देगा। पहले ये 4 लेन सड़क था लेकिन अब इसे 6 मार्ग में बदला जा रहा है। इस तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसा कि बीच बीच में अभी भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर इस सड़क मार्ग को कटिंग करके और नए सिरे से इसका बनाया जा रहा है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ किनारे की तरफ जो चौड़ा किया गया था उस सड़क मार्ग को डामरीकरण किया जा रहा है। काफ़ी व्यस्त ये मार्ग है वाराणसी कोलकाता मार्ग के नाम से भी ये मार्ग जाना जाता है, क्योंकि इसी मार्ग से आप कोलकाता तक भी चले जाएंगे। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर बीचों बीच डिवाइडर पर पेड़ पौधे करीने से लगाए गए हैं इस पार्क में और इलेक्ट्रिक पोल। वाराणसी और कोलकाता को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे नंबर 19 है जिसका कि आप 6 लेन सड़क मार्ग का चौड़ीकरण आप देख रहे हैं। पहले ये 4 लेन था लेकिन अब ये 6 लेन कर दिया गया है जिसका कि फिनिशिंग का काम यहाँ आप देखेंगे। सभी साइन बोर्ड आप देख रहे हैं किनारे में, ये सभी नए साइन बोर्ड लगे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 19 ये इस तरफ चल जाएगा
आपका प्रयागराज के लिए, और मेरे पीछे आप चले जाएंगे सीधे आप औरंगाबाद के लिए। फिलहाल मैंने वीडियो शुरू की थी वाराणसी से लेकर मोहनसराय तक, जो आगे जाकर वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे नंबर 19 में जाकर ये मिल जाता है। इस मार्ग में आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये फिनिशिंग कार्य, इस नेशनल हाईवे नंबर 19 का मैंने वाराणसी से चंदौली तक का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी ये सड़क मार्ग पर डामरीकरण यहाँ पर बाकी है, क्योंकि रोड की कटिंग की गई है एक तरफ। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आगे की तरफ। चारों तरफ जितने भी संपर्क मार्ग हैं अन्य राज्यों से या जिलों से, उन सभी को 4 लेन या 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें से काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं मोहनसराय से लेकर कैंट रेलवे स्टेशन तक, उसके बाद मोहनसराय से लेकर आपका औरंगाबाद तक, उसके बाद गाजीपुर मार्ग, आजमगढ़ मार्ग, भदोही मार्ग, ये सभी परियोजनाएं 4 लेन या 6 लेन हैं। मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण 6 लेन में, सड़कों पर काफ़ी काम किया गया है बनारस में। जैसा कि आप देख रहे हैं काफी दूरी तक ये बिजली के यहाँ पर पोल गाड़े गए हैं लाइटिंग के लिए डिवाइडर के बीचों बीच। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ भी डामरीकरण का काम चल रहा है। ये सभी बोर्ड यहाँ पर
सड़क के किनारे नए लगाए गए हैं साइन बोर्ड जितने भी आप देख रहे हैं। आगे इस मार्ग में काम के चलते ये थोड़ा सा कहीं कहीं जाम दिखाई देता है, चलिए आपको सर्विस रोड से आगे ले चलते हैं क्योंकि यहाँ मोहन सराय तक ट्रैफिक जबरदस्त है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं हाईवे पूरी तरीके से ट्रैफिक से जाम से जूझ रहा है इस समय। साढ़े दस बजने वाले हैं और अभी से ट्रैफिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा।